250 ग्राम बेसन लड्डू, 250 ग्राम स्पेशल पतीसा एंड 5 पीस मसूर दाल, 203। आजकल जायका चेंज हो रहा है, अभी कैलोरी को ज्यादा ध्यान देता है, क्या लगता है कि स्मृति को जायका चेंज हो रहा है? चेंज तो हो रहा है, बट अगर आप ट्रेडिशनली देखो मिठाइयाँ हमेशा पॉपुलर रहेंगी, कचौड़ी समोसे हमेशा अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, स्पेशली हम नॉर्थ इंडियंस को, स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ अ हाइजीन और इतने अच्छे क्वालिटी में घी प्रिपरेशन एंड ऑल, वंस इन अ वाइल अच्छा लगता है खाने के लिए। एक चीज और बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, इंग्लिश अगर आप ऑफिस गोअर्स को पूछो, स्कूल कॉलेजेस सब में पूछो, एक कॉमन लैंग्वेज हो गया है जो हर स्टेट एंड स्पेशली इंडिया जैसी जगह पे जहाँ इतनी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश भी अगर यूज हो जाती है तो आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम। क्या लग रहा है कि जायका जिस तरीके से इंडिया का चेंज हो रहा है, नॉनवेज और वेज के ऊपर भी एक बहस हुई है, नॉनवेज भी ज्यादा बल्कि कैलोरी को ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, नॉनवेज में भी उतनी कैलोरीज होती है जितनी वेज में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट इट्स मोर ऑफ योर ट्रेडिशनल एंड रीजनल थिंग के रीजन में क्या खाया जाता है, इट्स ओके। क्या लैंग्वेज में भी चेंज हो रहा है आपके? लैंग्वेज अगर आप ब्रिटिशर्स को देखें तो उन्होंने मीडियम इंग्लिश इसलिए बनाया था सो दैट आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सके, ये उसी टाइम मीडियम बना था, तो अब इतनी एज शी सेड कि इतनी लैंग्वेजेस हैं कि एक कॉमन मीडियम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इतनी लैंग्वेजेस चेंज हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी हिंदी 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 न्यूज चैनल्स, हिंदी चैनल सब कुछ रहता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, घर में आज भी हिंदी बोली जाती है। जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है खाने का, क्या लगता है कि अब भारत थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है? खासकर ये जो जंक फूड आया है इससे तो लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग का ज्यादा रुझान हो रहा है, ये यंगस्टर्स में ही है ज्यादा, हम लोग तो अभी भी इंडियन फूड को ही प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पिज्जा और जितने भी जंक फूड हैं मैं कभी नहीं खाता, और मैं तो यहाँ तक कि ये समोसा और कचौड़ी ये भी नहीं खाता, जो डॉक्टर कहता है तो वही खाते हैं। डॉक्टर ने कहा ग्रीन वेजिटेबल जूस और बाकी सादा खाना खाइए, वही खा रहे हैं, बच्चों ने जरूर खाया लेकिन मैंने नहीं खाया। आज के समय आपको लगता है कि सर जिस तरीके से यंग ट्रेंड आया है वो इंग्लिश को अपना एक तरीके से इंग्लिश मुझे लगता है कि स्टेटस सिंबल हो गया है, हमारे ऑफिस में भी ज़्यादातर जितने भी यंगस्टर्स हैं प्रेफर करते हैं इंग्लिश बोलना, और हम लोग भी जैसे मेरा तो 10-12 जगह ट्रांसफर हो चुका है, कोचिंग भी रह चुका हूँ, कई जगह पर सिर्फ इंग्लिश से ही बोलना पड़ता है, आप पूरे 2-2 साल तक हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं,
इंग्लिश मीडियम तो है, अच्छा मीडियम है, हिंदुस्तान के हर कोने में बोली जाती है। आप अगर मलयालम उसमें केरला में और तमिलनाडु में हिंदी बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो समझ आएंगे। तो मीडियम तो चाहिए ना बोलने के लिए, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का मीडियम तो होना चाहिए। तो इंग्लिश इज ओके, मेरे ख्याल से ठीक है। भारत में 1 से लेकर 15 तारीख तक हिंदी दिवस मनाते हैं, वो चल रहा है हिंदी दिवस, 14 तारीख को हिंदी दिवस है और हम लोग मना रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स में सारा काम इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी दिवस में मलिया में जैसे बैंक में तो हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी का बढ़ावा देते हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है ज़्यादातर हिंदी में ही बात करता है, हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी के नोट्स पुटअप होते हैं सभी कुछ। और हिंदी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, और सब लोग हिंदी जानते हैं यहाँ पर, बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ये ज़्यादा है कि शायद कुछ इंग्लिश के लिए बायस होगा, अदरवाइज कोई बायस होने की जरूरत नहीं है। हिंदी सब जानते हैं, हिंदी सब बोलते हैं, हिंदी हर जगह यूज़ होती है, बायस की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर की लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज इंग्लिश है। साइंस अगर पढ़ना है तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हैं, ऐसा सच कोई इसमें दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। थैंक यू सर, आपका नाम? अरुण कुमार। थैंक यू। इंग्लिश में people now they are changing their mood. They want to enjoy the food according to their choice. So it's a different choice for the different meals. जैसे आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो फ्रेंड्स के क्रिकेट सर्व कर रहे हैं खाने में, चाहे आई सी दैट इन यंग जनरेशन ऑल्सो दे आर कैलोरी वॉचर्स, वी गॉट अ प्रिपरेशन शुगर फ्री ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम एम एन सी एज बिग कॉर्पोरेट सेक्टर, दे यूज टू टेक लंच ब्रेकफास्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर बिकॉज इट्स ए most hygienic point of view, we are using only that pure ghee. एक सर एक चीज और देखी गई है कि यहाँ पर अब धीमे धीमे हिंदी जो है वो अपने को खत्म सा पाती है, अब हिंदी मंच चल रहा है, बहुत लोकेशन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने को खत्म पाती है, यंग जनरेशन आज स्टेटस सैंपल बन गया। ये सबको जोड़ने वाली एक चेन है जो डिफरेंट अलग अलग तरह का खाना होता है, ये सबको इकट्ठा करता है, ये अलग नहीं करता, ये सबको इकट्ठा करता है। नहीं, आपके पास जो ग्राहक आते हैं जो ज्यादातर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश जैसे मतलब हर तरह के क्लाइंट आते हैं हमारे पास, एमएनसी के जैसे जेपी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो भी स्टडी के लिए आएगा दे मस्ट बी आर हाईली क्वालिफाइड, एमएनसी है, टीसीएस है, विप्रो है, दीज पीपल आर कमिंग, दे आर समटाइम दे आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इवन आई नो दैट फोर लैंग्वेजेस। तो हिंदी कहीं ट्रेन सैंपल अब धीरे धीरे कम नहीं होता जा रहा, आपको लगता है कि नहीं, कम ही इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन जितना भी आ रहा है ना दे फील प्राउड इन स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, चेंजेस तो हैं, जैसे पहले आदाब कहते थे हाय, नाउ यू से हाय, बट इन आवर लैंग्वेज हाय मीन्स कि जैसे कोई मर जाता है, ये पीपल अभी लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए हिंदी में कहीं भी आपको बैनर जरूर लगे लिखे मिलेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट देयर। आप बच्चों को ही पढ़ाने के लिए देख लीजिए, लोग कहते हैं कि इंग्लिश स्कूल में जाना है, डालना है, ना कि दूसरे स्कूल में डालना है। आपका नाम? मेरा नाम डी के चोपड़ा है, मैं आई एम लुकिंग आफ्टर दिस, आई एम ए मैनेजर हियर एंड प्लस आई गॉट 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। थैंक यू।
एक वक्त था जब हिंदी दहाड़ती थी तो पूरा देश एक हो जाता था, लेकिन आज के हालात बदल गए हैं क्योंकि युवाओं को भी शायद हिंदी